गुड मॉर्निंग भाई लोग, स्वागत है आपका इस ब्लॉग में। सुबह सुबह निकल लिए छोटी सी राइड के लिए, बहुत दिन से राइड पे नहीं गए थे तो प्लान चल रहा था, बस प्लान ही चल रहा था। तो अचानक प्लान को थोड़ा सा हम लोगों ने चेंज किया और निकल लिए राइड पे। बज गया सुबह का 10 और ये वाइफ हमेशा पॉजिटिव होती है, हमेशा। अंकल को बहुत जगह चाहिए, बच गए अंकल से हम बिल्कुल। एक्चुअली अंकल बिल्कुल नौसिखिया ड्राइवर लग रहा है हमको, बिल्कुल ही नौसिखिया। आप समझ रहे हैं अंकल को, जैसे BMW का M एडिशन आता है ना, ऐसे R1 में भी M आता है। तो क्या है इसकी खास बात, 2024 मॉडल R1 M है, ये टॉप मॉडल है। बेसिकली टॉप मॉडल कैसे आप पहचान सकते हो, इसमें यहाँ पर क्विक शिफ्टर दिया गया हुआ है, दिख रहा है ना आपको, ये होता है क्विक शिफ्टर। आजकल यामा की सबसे, आप कह सकते हो सबसे पसंदीदा बाइक है, इसमें भी इन्होंने दे रखा है और मस्त, मतलब फर्स्ट क्लास चीज़ होती है। क्या इसका काम होता है, गियर आप शिफ्ट कर सकते हो बिना क्लच लिए, तो मतलब अगर आप हाइपर राइडिंग कर रहे हो तो उसमें हेल्पफुल होता है ये। तो ये कह सकते हो आप 150 cc में आप एक हाइपर राइडिंग मशीन चला रहे हो, जो R1 बेसिकली इनकी ओरिजिनल आती है 1000 cc, वो डिसकंटिन्यू हो गई, आप लोगों को पता अगर नहीं हो तो बता रहा हूँ, इंडिया में अभी। तो उसी की सेम कॉपी बना रखी इन्होंने, सेम टू सेम, मतलब कॉपी के R1 5M है ये, वो R1 होती है बस। उसके बाद बात करते हैं इसके बारे में। सबसे अच्छी बात है इसमें पहले एक VVA टेक्नोलॉजी है, वेरिएबल वॉल्व ऑक्शन। मतलब क्या होता है बेसिकली, इससे जब गाड़ी एक स्पीड पे जाती है तो इसका एक्स्ट्रा वॉल्व खुल जाता है, जिससे गाड़ी का पिकअप बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, एक पर्टिकुलर स्पीड पे जाने के बाद। पता है आगे डिस्क है, पीछे डिस्क है, ये सब तो नॉर्मल है, सबको ही पता होगा। एक्स्ट्रा जो है वो क्विक शिफ्टर दिया गया है इसमें। दिखाते हैं इसका रिस्पॉन्स कैसा है आप लोगों को, कितना तगड़ा रिस्पॉन्स है, कितना तगड़ा भागती है। पहले गियर में टॉप स्पीड कितनी होती है, दूसरे में कितनी होती है, तीसरे में कितनी होती है, तो गियर की स्पीड बताते हैं आप लोगों को। अभी गाड़ी चली है 5973, बाइक का टेम्परेचर है 75, ठीक है, बढ़िया कूल टेम्परेचर है। यहाँ पर मोड्स भी दिए गए हैं, इनसे यहाँ से आप सेट कर सकते हो मोड्स, स्टार्ट रन स्टॉप के लिए बटन्स हैं, ये लाइट का है ऑन ऑफ बटन, ठीक है, नहीं ये हेजार्ड लाइट है, लाइट जलेगी जलेगी, इंडिकेटर इधर दिए गए हैं, दिखाते हैं आपको पहले गियर में। तो पहले गियर की टॉप स्पीड है 48, दूसरे की है 70, तीसरे की है 96, चौथा दिखाते हैं लौटते हुए। भाई आप ये समझ रहे हो, इस वेरिएंट की गाड़ी इतना तगड़ा भाग रही है तो अलग ही चीज़ है, बिल्कुल अलग। दिखाता हूँ आपको, बैठने की पोजीशन भी काफ़ी अच्छी है, चौथे की टॉप स्पीड 100 पार जा रही है, 105, 109, 110, 111, 112 तक जा रही थी, 112 टॉप स्पीड है चौथे गियर की। पाँचवें में भी फ्लूइड चल रही है, ट्रैक थोड़ा सा छोटा है मेरे पास, देखते हैं पांचवे में फुल जाते हैं या नहीं आ पाते हैं। बाकी गाड़ी आप देख ही रहे हो, तगड़ा रिस्पॉन्स करती है बिल्कुल एकदम। 150 cc में ना भाई ये चीज़ मिलना ना नामुमकिन है, नामुमकिन है, मतलब इम्पॉसिबल वर्ड ना इसके लिए छोटा है, यामा की इस बाइक के लिए। तो मतलब अलग सेगमेंट की अलग ही भागने वाली बाइक है ये, दिखाते हैं आपको। पांचवें गियर की टॉप में स्पीड देखता हूँ पहुंचती है नहीं पहुंचती है, ब्रेक ज्यादा अच्छी नहीं है तो हम इतना ही मारते हैं। 115 तक गई गाड़ी यहाँ पर, या 20 तक गई होगी, नो आइडिया, मैंने ध्यान नहीं दे पाया, सामने देख रहा था। चलते हैं कुछ चाय पी जाए, अपना भाई मिला, इससे मुलाकात हुई, अच्छा लगा, कुछ फ़ोटोज़ खींची बढ़िया बढ़िया, एक आध रील बनाई,
काफी दिन बाद निकले तो उतना मूड बन नहीं रहा था आज। बट हाँ, जो कुछ किया आपको इंस्टाग्राम पे मिलेगा और यूट्यूब पे भी मिलेगा कम्युनिटी वाले सेक्शन में। बढ़िया बढ़िया, तो जाना देखना, बड़ा एंजॉय करना। उनको ऐसा लग रहा है उनके एरिया में किसी ने हमला कर दिया। भैया ने प्रॉपर हेलो करके नमस्कार किया। सामने श्री जागेश्वर धाम, श्री जागेश्वर धाम। अच्छा, साइड मिरर देख के चलाने की आदत में ना काफी कंफ्यूजन रहता है। मैं बंद रखी हो ना तो मुझे पीछे का आई थिंक 1 से 2 घंटे में हम लोग वापसी करते हैं। ऑफिस भी जाना है और ऑफिस जाना बहुत जरूरी है।